नाज़रीन, आज मैं आप सबके लिए एक स्पेशल ट्रैवलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक स्पेशल प्रोग्राम के लिए मैं लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा हूँ, जी हाँ, परीजात का घर दिखाने के लिए। और इस सफ़र में मेरे साथ उसामा भी मौजूद होंगे। आज के स्पेशल ट्रैवलॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप परीजात के घर कैसे पहुँच सकते हैं। तैयारी हमारी मुकम्मल है, तो चलिए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, हम रावलपिंडी पहुंच गए हैं। बाय रोड आना मुमकिन नहीं था क्योंकि मौसम ख़राब है, तो हम बाय ट्रेन आए हैं। अच्छा, ये जो अब हम परीजात के घर की तरफ जा रहे हैं, और पहले मैं पिंडी वालों के लिए बता दूं कि अगर रावलपिंडी का कोई शख्स परीजात के घर जाना चाहता है तो गुलबर्ग ग्रीन्स में परीजात का घर वाकिया है। तो अगर रावलपिंडी से किसी ने जाना है तो आपने जो पुराना एयरपोर्ट है वहाँ पर जाना है, और उसके बिल्कुल साथ गुलबर्ग ग्रीन्स है जिसके ए ब्लॉक में परीजात का घर वाकिया है। नाज़रीन, इस वक्त हम इस्लामाबाद में एंटर हो चुके हैं, और इस्लामाबाद वालों के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो गुलबर्ग ग्रीन्स है, ये जो जीटी रोड है लाहौर तक इस्लामाबाद, उसके ऊपर वाकई है। आप जो ही इस्लामाबाद से निकलते हैं जीटी रोड के ऊपर, तो जो पहला स्टेशन आता है वो गुलबर्ग ग्रीन्स का, जो पहला स्टॉप आता है वो गुलबर्ग ग्रीन्स का ही है। यानी आप कश्मीर हाईवे से होते हुए आप जीटी रोड पे आते हैं, और बैरिया को जो रास्ता जाता है उससे पहले जो पहला स्टॉप है वो गुलबर्ग ग्रीन्स का है। तो ये नाज़रीन सामने आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा, ये जीटी रोड से हम ये टर्न हो रहे हैं, सामने गुलबर्ग ग्रीन्स का बोर्ड भी लगा हुआ है। तो जब आप आएंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी क्योंकि बोर्ड आपके सामने लगा हुआ है। तो नाज़रीन, यहाँ पर जो ही आप टर्न होते हैं तो सबसे जो मशहूर जो यहाँ पर चीज़ है वो इम्तियाज़ मार्ट है, और उसके बिल्कुल सामने ये गुलबर्ग ग्रीन्स का बोर्ड लगा हुआ है, और अब हम गुलबर्ग ग्रीन्स में एंटर हो रहे हैं। नाज़रीन, गुलबर्ग ग्रीन्स में हम एंटर हो चुके हैं, और बड़े ही खूबसूरत इलाका है, काफ़ी बड़ा इलाका है ये, तकरीबन 5-6 साल हुए हैं इसको डेवलप हुए। तो आपने जब यहाँ पर एंटर होना है, काफ़ी सारे इसके ब्लॉक्स हैं, तो आपने करना क्या है कि एंटर होते ही किसी गार्ड से पूछ लेना है ए ब्लॉक का, ताकि आपको आसानी हो और इधर उधर आप ना फिरते रहें। नाज़रीन, इस वक्त मैं परीजात के घर के बाहर पहुंच गया हूं ए ब्लॉक में। ये 84 हाउस नंबर है, ये मेरे पीछे आपको 84 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले जो मुझे इंटरेस्टिंग बात यहां कर लगी है वो ये है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग यहां पर आ रहे हैं और इस घर को देख रहे हैं। हालांकि ये जो गुलबर्ग ग्रीन्स है ये इस्लामाबाद से बाहर है, लेकिन बहुत हैरानकुन तौर पर लोग आ रहे हैं यहाँ पर। स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं और इस घर को देख रहे हैं, यहाँ पर आकर तस्वीरें बना रहे हैं। तो ये बहुत ही हैरानकुन मकबूलियत है जो परीजात को मिली है। उनका करैक्टर मकबूल हुआ और अब उनका घर भी इतना मकबूल हो गया कि लोग यहाँ पर आकर तस्वीरें बना रहे हैं। तो आइए अंदर चलते हैं और अंदर से आपको घर दिखाते हैं। तो नाज़रीन, घर के अंदर हम आ गए हैं, और इस वक्त मैं लॉन में खड़ा हूँ जहाँ पर बहुत सारे सीन्स आपने देखे हैं। मेरे पीछे आपको वो खूबसूरत घर नज़र आ रहा है जो कि परीजात में आप देखते हैं, और बहुत ज़्यादा आपने पसंद किया है। इस लॉन में बहुत सारे सीन्स बहरोज़ करीम के रिकॉर्ड हुए जब परीजात इस तरह हाथ बांधे खड़े होते हैं, लेकिन फिर वक्त आता है, ज़माना बदलता है, और परीजात उन चेयर्स पर बैठते हैं, और जो नौकर होते हैं, बल्कि नौकरों की फ़ौज जो होती है वो उनके आगे
हाथ बांध कर खड़ी होती है। और इसी चीज़ ने आप सबको बहुत ज़्यादा, इस फैंटेसी ने मैं कहूँगा कि आपको मुतासर किया। अंदर से आप विजुअल्स देखें कितना खूबसूरत है ये घर है, इसका फर्नीचर और जो डेकोरेशन है बहुत ज़बरदस्त तरीके से की गई है। और जो परिजात का करेक्टर था, जो बहरोज़ करीम का करेक्टर था, उस हवाले से बिल्कुल फिट ये घर था। वैसे इस एरिया में और भी बहुत सारे घर हैं, ये जो गुलबर्ग ग्रीन्स है ये एक साथ और बहुत बड़ा एक घर है, शायद इससे भी बड़ा। इसके अलावा और भी बहुत सारे खूबसूरत घर हैं। और ये एक पोश तरीन इलाका है इस्लामाबाद का, और यहाँ पर और भी घर हैं, लेकिन जो उनकी प्रोडक्शन टीम है परिजात की, उनको ये घर बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद आया। यहाँ पर शोर शराबा नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा है, खामोशी है। अब चहल पहल लगी है जब लोग यहाँ पर देखने आ रहे हैं। तो ये परिजात का घर था, लोकेशन मैंने आपको बताई। आपको मेरा ये वीलॉग कैसा लगा मैं सज कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, और इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।